हरे कृष्णा सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिरिल्ला प्रविष्टोम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्री मशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितिरिल्ला प्रविष्टोम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्री मशील एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे अहितों की कृपा की वांछा करता हूँ। शिला गुरुदेव की अहितों की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं वृंदावन के अंतर्गत परिक्रमा के, ये है राधा गोकुलानंद मंदिर। यहाँ पे हमारे तीन गुरुवरों की समाधि है, शिला लोकनाथ दास गोस्वामी जी की, शिला उन्हीं के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी की, और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी के आगे चौथी परंपरा में आगे चौथी अधस्तन में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाद जी की। तो हमारा यहाँ पे बड़े ही सुंदर दर्शन है शिला राधा विनोदी लाल जी के, शिला राधा गोकुलानंद जी के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के सेवे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के। तो हम श्रवण करते हैं शिला लोकनाथ दास गोस्वामी कौन थे। सबसे पहले इस ब्रज में जो आए हैं वो आए हैं लोकनाथ दास गोस्वामी। छह गोस्वामियों से भी जो पहले आए थे वो थे लोकनाथ दास गोस्वामी। लोकनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही उनका वैराग्य था, महाप्रभु के भक्त थे। जब वो नवदीप में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहुँचे तो महाप्रभु ने लोकनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिया कि तुम चले जाओ कहाँ पे वृंदावन में, और वहीं पे ही रह के वास करो और वहीं पे रह के भजन करो। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी सबसे पहले गोस्वामी हैं जिनको महाप्रभु ने यहाँ पे भेजा, और लोकनाथ दास गोस्वामी को ही महाप्रभु ने बताया कि मैं अब बहुत जल्दी संन्यास लेने वाला हूँ और फिर मैं चले जाऊँगा जगन्नाथपुरी। तो लोकनाथ दास गोस्वामी इस चीज़ को बार बार चिंतन करते करते विलाप करते थे कि अब मेरे महाप्रभु कौन है, संन्यास लेने वाले हैं, उनके इतने सुंदर केश हैं, अब उनके केश क्या होगा, मुंडन हो जाएगा, बहुत विलाप करते थे। तो उनको आदेश दिया महाप्रभु ने कि तुमने जाना है यहाँ पे वृंदावन, तुमने यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं करनी है। तो उन्हीं के साथ लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ एक गोस्वामी जी और थे जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में है। तो भूगर्भ गोस्वामी जी ने लोकनाथ दास गोस्वामी जी को के साथ में, वो दोनों सबसे पहले इस ब्रज में आए थे, सबसे पहले महाप्रभु के आने से भी पहले, छठ गोस्वामी से भी पहले, और यहीं पर रह के फिर उन्होंने वास किया। जब यहाँ पे लोकनाथ दास गोस्वामी आए तो वो एक स्थान है जिसका नाम है उमराव गांव। उमराव गांव क्यों, यहाँ ब्रज के जितने भी गांव हैं उन सबके जो नाम है वो किसी न किसी लीला स्थली से ही संबंधित हैं। उमराव गांव इसलिए क्योंकि एक दिन राधा जी ने क्या किया, उमराव का मतलब होता है महाराज, तो एक दिन राधा जी ने महाराज की तरह, महारानी की तरह अपने सिंहासन में बैठ के ललिता विशाखा किसी को अपना मंत्री, किसी को उपमंत्री, ये सब बना दिया और घोषणा कर दी कि पूरे ब्रज की रानी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो वहीं उमराव गांव के पास में किशोरी कुंड था जहाँ पे रह के शिला लोकनाथ दास गोस्वामी जी भजन करते थे। एक दिन इनको किशोरी कुंड में इनको विग्रह मिले शिला राधा विनोदी लाल जी के। जब राधा विनोदी लाल जी के विग्रह इनको मिले तो राधा विनोदी लाल जी के जब विग्रह मिले तो राधा विनोदी लाल जी से इन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो बोले कि मैं तुम्हारी सेवा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और क्या मुझे कोई यहाँ पे लेके आ सकता है, तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और इस ब्रज का जितने भी जो स्थान हैं उन सारे स्थानों को फिर विनोदी लाल जी और लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने ही मिलकर प्रकट किया। कैसे, बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। जब विनोदी लाल जी उनको मिले तो वो लोकनाथ दास गोस्वामी जी को बोलते हैं कि मैं इतने समय से जल के अंदर था, भीतर में था, और अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसाद बना के, भोग बना के इनको खिलाया विनोदी लाल जी को, जो यहाँ पे राधा विनोद जी का मंदिर है। तो वो बोले कि अरे बाबा इसमें चटनी तो है नहीं, चटनी तो बनाओ। तो उन्होंने फिर फटाफट जो इमली के कुछ पत्ते तोड़े और इमली के पत्ते तोड़ के उसको पीस के बड़ी सुंदर चटनी बना के दी। अब उसके बाद विनोदी लाल जी बोले कि अब मैंने पेट भर के प्रसाद पा लिया, अब क्या, अब मुझे भूख, अब मुझे विश्राम करना है, अब तो मुझे सुलाओ। तो इन्होंने क्या किया, मंदिर तो है नहीं, तो इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर जो कमल के, कुसुम के, जो बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं जूहू चमेली के, उन सारे फूलों को लेके बड़ी ही सुंदर शैया बनाई, और उस शैया पे फिर किनको विराजमान कराया, विनोदी लाल जी को। बोले बाबा अरे मेरे को नींद नहीं आ रही, गर्मी लग रही है, मुझे पंखा करो। तो इन्होंने कुछ पत्ते वत्ते लेके किसी प्रकार से भगवान को, कुछ मोर पंख आदि लेके भगवान को फिर इन्होंने हवा करनी शुरू करी। बोले विनोदी लाल जी बोले कि मेरे चरण दबाओ, मेरे को दर्द, चरण दबाओ, नींद नहीं आ रही। तो ये उनके चरण दबाते थे। तो इस प्रकार से बड़ी ही प्रेममयी सेवा राधा विनोदी लाल जी लेते थे किनसे, लोकनाथ दास गोस्वामी जी से। भक्त जो है भगवान की सेवा करके उनको आनंद आता है, और भगवान को भक्त की सेवा लेके आनंद आता है, इस प्रकार से उनका बड़ा ही सुंदर संबंध था। इन्होंने अपने गले में ही एक, क्योंकि विनोदी लाल जी विग्रह छोटे से ही हैं, अभी तो जयपुर में है अगर आप लोगों ने देखा हो तो, उनके प्रतिभू विग्रह यहाँ पे हैं, विनोदी लाल जी बहुत छोटे से विग्रह थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने गले में ही एक मंदिर बना लिया, उस मंदिर को बिल्कुल अपने
हृदय के पास रखते थे और अपने हृदय में ही विनोदी लाल जी को लेके पूरे ब्रज में घूमते थे। जब पूरे ब्रज में घूमते थे तो विनोदी लाल जी उनको बताते थे कि देखो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है बसई। तो फिर जो वो स्थान बताते थे हमने यहाँ पे लीला करी है, लोकनाथ दास गोस्वामी जी उन्होंने लीला स्थलियों को फिर स्थापित करते रहते थे। बसई, बसई क्यों? बोले कि देखो बसई इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंद बाबा आए थे और नंद बाबा जी के साथ हमारे जितने भी ब्रजवासी हैं यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था और यहीं पे ही कुछ समय रुके थे, तो यहाँ पे हमने बास किया था, इसलिए क्या नाम हो गया गांव का बसई। फिर थोड़ा आगे गए, बोले बाबा इस गांव का नाम है सेमरी। बोला सेमरी क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने क्या किया, जब राधा जी ने बहुत मान कर लिया था तो राधा जी के मान को भंग करने के लिए मैं श्यामा सखी बन गई, और श्यामा सखी बन के क्या किया, श्यामा सखी बन के बड़ा ही सुंदर वाद्य बजाया और वीणा बजा के उनको प्रसन्न किया राधा जी को। तो राधा जी बड़ी प्रसन्न होकर अपना जब प्रसादी माला देने जाती हैं तो प्रसादी माला जैसे ही श्यामा सखी के गले में देती हैं तो वो पहचान लेती हैं कि ये तो श्यामा सखी नहीं, ये तो मेरे कृष्ण हैं, क्योंकि कृष्ण ने वहाँ पे श्यामा सखी का रूप धारण किया, इसलिए उस गाँव का नाम क्या हो गया सेमरी, सेमरी उस गाँव का नाम है। फिर थोड़ा और आगे गए, बोले बाबा देखो इस गाँव का नाम है जैत। जैत क्यों? जब अगासुर को मारा था, जब अगासुर को मारा तो आकाश में सारे देवता आ गए और क्या करने लगे, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोविंद की जय हो, गोपाल की जय हो। तो मेरी जय ध्वनि दी तो कृष्ण की जय ध्वनि देने के कारण उस गांव का नाम क्या हो गया जयंत। तो ब्रज के जितने भी सारे स्थान हैं एक एक स्थान पे जाते थे और बताते थे देखो मैंने बाबा यहाँ पे ये लीला करी है, यहाँ पे ये लीला करी है, ये गाँव है रनवारी। रनवारी क्यों? यहाँ पे एक बारी राधा और कृष्ण का रनवारी क्यों? क्योंकि यहाँ पे राधा और कृष्ण का मलयुद्ध हुआ, तो हमारा जब आपस में मलयुद्ध हुआ, रण हुआ ना, रण, रणभूमि, तो इसलिए गांव का नाम हो गया रणवारी। तो ब्रज में अनेकों लीला स्थलियाँ हैं, हर पग पग पे लीला स्थली है। तो ये सारी जो लीला स्थलियाँ हैं हमारे छह गोस्वामियों ने, लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने, भूगर्भ गोस्वामी जी ने, इन्होंने इन सारी लीला स्थलियों को प्रकट किया है। जब लोकनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास ले चुके हैं और संन्यास लेके महाप्रभु अब चले गए हैं जगन्नाथ पुरी और पुरी से फिर अब दक्षिण भारत, तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी यहाँ से जाते हैं दक्षिण भारत। जब वो दक्षिण भारत जाते हैं पैदल, जब वो दक्षिण भारत पहुँचते हैं तब उनको पता चलता है कि महाप्रभु तो अब दक्षिण भारत से कहाँ जा चुके हैं, वापस जगन्नाथ पुरी होते हुए वृंदावन जा रहे हैं। जब दक्षिण भारत में पहुँचते और पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन चले गए तो बड़े दुखी होते हैं, फिर वो आते हैं चलते हैं वापस वृंदावन की ओर। जब दक्षिण भारत से वृंदावन आते हैं तब पता चलता है कि महाप्रभु अब वृंदावन से प्रयागराज चले गए हैं, तो फिर यहाँ से वो प्रयागराज जाना शुरू करते हैं। रास्ते में ही उनको एक स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो, कहीं नहीं भागना, तुम वृंदावन में ही रहो और तुम वहीं पे ही वास करो, और वहाँ पे अभी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी स्वामी जी भी आने वाले हैं, तुम वहीं पे ही रह के वास करो, तुम वहाँ पे ही मेरे नित्य दर्शन करोगे। और इस प्रकार से उनको उनके हृदय में दर्शन दे के महाप्रभु ने सांत्वना दी। फिर लोकनाथ दास गोस्वामी ने यहीं पर ही रह के भजन किया है उमराव गाँव में, जहाँ पर उनकी भजन कुटी है। जब बाद में जब यहाँ पे राधा रमन जी प्रकट होते हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी पाद जी वृंदावन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर लोकनाथ दास गोस्वामी जी उनके कहने पे अपने ही विग्रह को राधा विनोदी लाल जी को भी इसी स्थान पे लेके आ जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा गौड़िया वैष्णवों का बहुत ही प्रमुख स्थान है जहाँ पर राधा विनोद जी के विग्रह हैं, और यहाँ पे पीछे नरोत्तम दास ठाकुर जी की समाधि है और उन्हीं के सेवित गौरांग महाप्रभु यहाँ पे हैं। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं ये कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अवतार बताया गया है। क्या बोला गया? महाप्रभु का, महाप्रभु के वो प्रेम अवतार हैं। जब चैतन्य महाप्रभु खेतरी गांव से होते हुए जा रहे थे तो वहां पे महाप्रभु नरोत्तम 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 बोलने लगे, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप तो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते हो, आज नरोत्तम नरोत्तम ही नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु बोले कि नरोत्तम एक मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, जो कुछ ही समय में, जब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अपनी लीला को स्मरण करते हैं तब नरोत्तम दास ठाकुर जी जो है प्रकट होते हैं और बोले कि ये मेरे बहुत ही प्रेमी भक्त हैं जो यहाँ पे आके इस पूरे विश्व के अंदर सबको इस प्रेम भक्ति का दान करेंगे। और जब वो रो रहे थे महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये जो मैं रो रहा हूँ, ये जो प्रेम है ये तुम्हारा ही प्रेम है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम के भंडारी हो। महाप्रभु ने अपने प्रेम के भंडारी रखा है नित्यानंद प्रभु को, कि तुम इस प्रेम को जिसको चाहोगे उसको तुम दे सकते हो। इसलिए नित्यानंद प्रभु अगर किसी चंडाल के पास भी जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको गौर महाप्रभु का प्रेम दे देते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये तुम्हारा ही प्रेम है जिसको आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पद्मावती नदी को दे के जा रहा हूँ। पद्मावती नदी को बोलते हैं कि हे पद्मावती नदी तुम इस प्रेम को रखो। बहुत ही शीघ्र यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म होगा और जब वो तुम्हारे यहाँ पे स्नान करने आएंगे तो ये कृष्ण प्रेम तुम उनको दे देना।
तो वहाँ पे पद्मावती नदी पूछती है कि महाप्रभु मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन है नरोत्तम दास ठाकुर। जब वो तुम्हारे इसमें आएंगे तुम्हारा जो वेग है वो बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर भाव रोमांचित अपने आप हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि ये मेरे ही भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म होता है। बताया नरोत्तम दास ठाकुर जी का जब जन्म हुआ एक राजा के घर में, जमींदार के घर में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। ठाकुर परिवार में जन्म हुआ और उनके पूरे शरीर में जो महापुरुष के चिन्ह होते हैं, महापुरुष के चिन्ह, उनके जो नेत्र हैं बिल्कुल कमल के समान, उनकी नाभि बहुत गंभीर, उनके हाथ जो हैं घुटनों से नीचे, उनका पूरा महापुरुष जैसे उनके उसमें लक्षण थे। बचपन से ही उनका कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति भक्ति था। जब वो 12 साल के हुए तो उनकी मैया उनको स्नान करने लेके जाती है पद्मावती नदी में, और जैसी नदी में स्नान करते हैं बाहर नदी से निकलते ही हा कृष्ण हा कृष्ण हा गौर हा निताई, उस प्रेम में वो विवल हो जाते हैं। अब फिर उनको घर अच्छा नहीं लगता, वो अपने उस संसार को त्याग के निश्चय करते हैं कि मैं चलूँगा वृंदावन। और उनके पिताजी हैं बहुत बड़े एक राजा हैं, तो वो पूरा चारों तरफ से सिपाही और लोगों को बांध के रखते हैं कहीं मेरा पुत्र चले ना जाए। तो फिर भी किसी प्रकार से सब कुछ छोड़ के, जिसको महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको कौन रोक सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी सब छोड़ के आते हैं वृंदावन। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी जिस दिन वृंदावन आने का संकल्प लिया, रात को ही उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु अपने चरणों को उनके मस्तक पे रख के उनको आशीर्वाद वचन देते हैं, और फिर वो महाप्रभु के चरणों को पकड़ के अपने स्वप्न में ही हा गौर क्रंदन करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर उनको नित्यानंद प्रभु के स्वप्न में दर्शन होते हैं, फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं, फिर उनको स्वप्न में अद्वैत आचार्य जी के दर्शन होते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, सबके उनको दर्शन हुए और सबने उन पर कृपा करी, और उनके कृपा के फलस्वरूप फिर अगले दिन सुबह प्रातः नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने गृह को त्याग के चल पड़ते हैं इस वृंदावन की ओर। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन आ रहे हैं तो रास्ते में जितने भी गांव थे, सारे के सारे गांव के जितने भी ग्रामवासी थे सब बाहर आ गए देखने के लिए कि ये कौन है, क्योंकि ये तो साक्षात प्रेम अवतार है महाप्रभु के। जब वो वृंदावन की ओर आ रहे हैं उनके विरह में क्या कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने जो कीर्तन लिखे हैं उस कीर्तन का जो ग्रंथ का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, और एक उनका ग्रंथ है प्रार्थना। तो जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है उसमें उन्होंने ऐसे कीर्तन लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कि उस कीर्तन को सुनने के बाद अगर कोई यवन भी हो, अगर कोई चंडाल भी हो, तो वो भी उस परम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर जाए। ऐसे उन्होंने कितने सुंदर कीर्तन लिखे हैं। जब नरोत्तम, हमारे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, तुम्हें कृष्ण प्रेम चाहिए हाथ उठाओ, सब हाथ उठाते थे। देखो भाई, अगर तुम्हें कृष्ण प्रेम चाहिए तुम्हें एक आना खर्च करना पड़ेगा, एक आना खर्च करो और उस एक आने से प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद के लाओ नरोत्तम दास ठाकुर जी की, कुछ मत करो, केवल उन कीर्तनों को पढ़ लो, तुम्हें इसी जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कीर्तन थे। जब वो आ रहे हैं रोते हुए, उनके आंखों से मानो ऐसे लग रहा है कि गंगा यमुना बह रही है, क्रंदन करते हुए हा गौर कीर्तन गाते हुए आ रहे हैं। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोली ते ना याने बाबे नीरा, आर कबे नीताई चांदे करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, कब मेरी संसार की वासना तुच्छ होगी। गौरांग बोली ते हबे पुलक शरीर, गौरांग गौरांग बोलते हुए शरीर जो है पुलक हो रहा है, और नयनों से क्या हो रहा है, नयने बाबे नीरा, नयनों से पूरे आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी भक्त लोग उनको दर्शन करते थे कई बोलते थे, अरे भाई ये तो ऐसे लगता है कोई महापुरुष हो, नहीं नहीं मुझे तो ऐसे लगता है कोई देवता हो, अरे भाई मुझे तो ऐसे लगता है कहीं साक्षात नारायण तो धरती पे नहीं आ गए। उनको जितने गांववासी, जितने जिन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को, जब वो वृंदावन जा रहे हैं उनके विरह को देख के सारा का सारा गांव रोने लग जाता था। सारे गांव वाले अपने घर को, गांव को छोड़ के उनके पीछे पीछे चलने लग गए। उनके पीछे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं, थोड़ा आगे जाते थे फिर वापस बंधन है, वापस अपने आ जाते थे, और कोई उनको छोड़ना नहीं चाह रहा था। कोई उनके पास भोजन लेके आते हैं कि उनके पास वस्त्र लेके आते हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ बिल्कुल वृंदावन का ध्यान करते हुए बस हा गौर हा निताई करते हुए इस वृंदावन की ओर आ रहे हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ पे आते हैं, पूरा पैदल आए रास्ते में, ना कुछ भोजन किया ना कुछ, और जंगलों से आए, कहाँ कहाँ से आए, तो उनके शरीर में एक जो उनका शरीर है उनके शरीर में कई प्रकार के घाव हो गए। तो जब रात को सोए तो सपने में क्या देखा, सपने में उनके पास चैतन्य महाप्रभु एक छोटा सा बालक जो है, ग्वाल बालक, एक दूध लेके आया है। बोले बाबा ये दूध पी ले, तो उन्होंने उस दूध को पी लिया।
अब दूध को जो पी लिया स्वप्न में सो गए। जब सो गए तो देखा वही जो बालक है वो और कोई नहीं, वो स्वयं गौर महाप्रभु थे। और उन्होंने आके फिर क्या किया, उनके वक्षस्थल पे ऐसे स्पर्श किया, उनके जस्ट उनके केवल स्पर्श मात्र से ही उनके शरीर में जो घाव थे, जो उनका थकान था, सबका सब दूर हो गया। और फिर किसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी पहुँचते हैं, अभी मथुरा तक पहुँचे हैं। जब मथुरा तक पहुँचे नरोत्तम दास ठाकुर जी तो वहाँ पे केशी घाट पे बैठे हैं, केशी घाट पे बैठे तो उतने में ही कुछ वहाँ पे भक्त लोग होते हैं, वहाँ के पंडे जो चोबे लोग हैं, बोलते हैं अरे तुमने सुना क्या कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है वो अब इस जगत में नहीं रहे, वो इस जगत से चले गए हैं। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सुना कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अब नहीं रहे, क्योंकि जब महाप्रभु भी नहीं रहे थे, नित्यानंद प्रभु भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में सांत्वना थी कि मेरे को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि हाँ रूप हाँ सनातन भी इस जगत में नहीं रहे, वहीं पे ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ये प्राण मैं क्यों रखूं, और वहीं पे ही वो मूर्छित हो जाते हैं। हाँ रूप हाँ सनातन, हाँ रूप हाँ सनातन करते हुए ऐसा क्रंदन किया कि सारे वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को रोक नहीं सके, सब उनके विरे में उनकी विरे की अग्नि सबको स्पर्श कर गई, और सारे ब्रजवासी मथुरा के क्या कर रहे हैं, हाँ रूप हाँ सनातन, हाँ रूप हाँ सनातन। तो वहाँ पे गौतम दास ठाकुर ये जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनके स्वप्न में फिर रूप गोस्वामी आते हैं, सनातन गोस्वामी जी आते हैं, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में आके उनको सांत्वना देते हैं, कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर तुमने अभी महाप्रभु की बहुत सारी सेवाएं करनी है, तुम वृंदावन पहुंचो और वहां पे तुम्हें मिलेंगे जीव गोस्वामी, वहां पे तुम्हें मिलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में, तुम्हें आगे मिलेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तुम लोकनाथ दास गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करोगे, इसलिए तुम पहुँचो वृंदावन पहुँचो। तो उनको किसी प्रकार से रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी सांत्वना देते हैं। फिर वो मथुरा से आते हैं वृंदावन, जब वृंदावन में आते हैं उतने में ही यहाँ पे शीला जीव गोस्वामी जी होते हैं, और जीव गोस्वामी जी के ही शिष्य श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य जी जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य जी दोनों सम उम्र हैं, दोनों आपस में उनका गुरु भाई जैसा ही संबंध है। तो जब श्रीनिवास आचार्य जी को स्वप्न में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आके बोलते हैं कि बहुत ही शीघ्र यहाँ पे पहुँचने वाले हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और नरोत्तम दास ठाकुर जी को तुमने जीव गोस्वामी जी से मिलवाना है। तो जीव गोस्वामी जी को खबर मिलती है, और ये जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी आते हैं तो पूछना नहीं पड़ता कि आप नरोत्तम हो, क्योंकि उनके प्रेम के विकार को ही देख के समझ लेते हैं कि यही नरोत्तम दास ठाकुर हैं। और जितने भी ब्रज में वैष्णव हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर जी को देख के बड़े आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग महाप्रभु के विरह में थे, क्योंकि उसी समय ही महाप्रभु इस जगत से गए थे। तो जब सब लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी को देखते हैं तो उनके हृदय को बहुत सांत्वना मिलती है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अवतार हैं, और उनका भी वर्ण कैसा है, पूरा स्वर्ण वर्ण है उनका। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने फिर जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह के, और श्रीनिवास आचार्य ने भी जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रह के सारे जो हमारे गौड़ीय शास्त्र है उनका अध्ययन किया। अब उनको लेनी थी दीक्षा, जब उनको दीक्षा लेनी थी तो उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अगर मैं दीक्षा लूँगा तो मैं केवल लोकनाथ दास गोस्वामी जी से ही दीक्षा लूँगा। और लोकनाथ दास गोस्वामी जी का भी संकल्प है कि मैंने इस जीवन में किसी को भी शिष्य बनाना ही नहीं है। तो दोनों ने अपना संकल्प लिया हुआ है, मैंने लेनी है तो इनसे दीक्षा लेनी है, उनका संकल्प है मैंने किसी को शिष्य बनाना ही नहीं है। लोकनाथ दास गोस्वामी के पास कई बार गए, लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी उनको पुनः पुनः उपेक्षा करके बोलते थे नहीं मैं दीक्षा नहीं दूंगा, बहुत सारे वैष्णव है किसी से भी लो। अब उतने क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी ने अपना नाम कहीं पे भी रिवील नहीं किया, यहाँ तक कि जब चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे थे तो लोकनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि मैं आपको महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं बताऊंगा, आप उसको अपने उसमें लिखना, लेकिन कहीं मेरा नाम मत देना। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने संकल्प है कि मैंने कहीं अपना नाम नहीं देना, ना मैंने शिष्य बनाने हैं। तो वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा कि लोकनाथ दास गोस्वामी रोज सुबह शौच क्रिया करने जाते हैं एक किसी वृक्ष के नीचे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को ये सेवा का मौका मिल गया, जो सेवक है वो सेवा खुद ढूंढ लेता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी रोज जाते थे प्रातः और उस जगह का मार्जन करते थे, और उसके बाद लोकनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि इसी स्थान पे मैं रोज मल त्याग करने आता हूँ और यहाँ पे ये सारा का सारा स्थान का परिष्कार कौन करता है। तो एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी जी अलक्षित रूप से देखने लगे कि कौन इसको सेवा कर रहा है यहाँ पे, तो देखा कि ये तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, और देखा कि यहाँ पे आके क्या करते हैं, मेरा मल साफ करते हैं, और जिस झाड़ू से मल को साफ करते तो उस झाड़ू को अलिंगन करके बोलते थे कि तू मेरा साथी है, तू मेरा साथी है, कि तू मेरे को तेरे कारण आज मैं इनकी सेवा कर पा रहा हूँ,
और कैसा वो विलाप करते हुए उनकी सेवा करते थे, उनके मल को साफ करते थे। इस चीज़ को देख के लोकनाथ दास गोस्वामी का जो हृदय है वो पिघल जाता है और फिर वो संकल्प अपना तोड़ देते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सिद्धांत है कि देखो भाई, नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो कृष्ण प्रेम पहले ही मिल चुका है पद्मावती नदी से, जो महाप्रभु ने दिया था, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं कि देखो, जीवन में एक साधक को किस प्रकार से गुरु का अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें वो कहते हैं, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। कह रहे हैं जो आश्रय लेके भजन करता है, ताते ताहे कृष्ण नहीं त्यजे। अगर आपने किसी वैष्णव का आश्रय लिया हुआ है और आप भजन कर रहे हो और आप अनर्थग्रस्त हो, बहुत अनर्थ है हृदय के अंदर, तब भी तारे कृष्ण नहीं त्यजे, कृष्ण उसको नहीं त्याग सकते। आर सब मरे अकारण, अगर कोई बिना आश्रय के भजन कर रहा है और बड़ा अच्छा भजन कर रहा है, अनर्थ भी नहीं है, बताया आर सब मरे अकारण, वो अकारण ही मर जाएंगे, भजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कभी भी भजन करना है तो कैसा करना है, आश्रय लेके भजन करना है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ पे जब उन्होंने ब्रज में रह के भजन किया है, उन्होंने बड़े ही सुंदर कीर्तन लिखे हैं, कुछ कीर्तन के बारे में हम जरूर श्रवण करेंगे। उनके जो कीर्तन है, आज मणिपुर का जो राजा था वो इनका शिष्य बन गया। मणिपुर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनका शिष्य ना हो, पूरा मणिपुर नरोत्तम दास ठाकुर जी का शिष्य, पूरा खेतरी गांव इनका शिष्य। वहाँ पे आज तक भी अगर आप जाओगे तो लोगों की दुकानों में, घरों में नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज तक भी, इतने सालों के बाद भी, 500 साल बाद भी, उन सब नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो चित्र है वो आज तक लगे हुए हैं। बंगाल में जगह जगह पर नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन होते हैं। जब वो यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे रह के श्रीनिवास आचार्य जी के साथ एक दिन गए गोवर्धन परिक्रमा करने। जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा में क्या देखा, परिक्रमा करते करते उनके कर्ण में कृष्ण की बंसरी ध्वनि प्रवेश करी और नासिका में कृष्ण की सुगंध प्रवेश करी। तो जैसे ही उन्होंने कान से कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी और नासिका में उनकी सुगंध गई, तो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पर ही मूर्छित हो जाते हैं। और जब मूर्छित हो जाते हैं तो वहीं पे ही उनको स्वप्न में फिर दर्शन होते हैं, किसके, कृष्ण के, और कृष्ण उनको आके स्वप्न में दर्शन देते हैं और वो दोनों मूर्छित पड़े हैं गोवर्धन में। और गोवर्धन कैसा है, जैसा आज आप देख रहे हो वैसा नहीं, पूरा जंगल है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बालक आके उनको पंखा हिलाता रहता है, उनकी सेवा करता रहता है। तो जैसे इनकी मूर्छा दूर होती है, पूछते, बालक तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोला, बाबा आपको पता नहीं है यहाँ पे बहुत सारे हिंसक जानवर हैं, तो आप दोनों तो बाबा हो, परिक्रमा कर रहे हो, मैं तो ब्रजवासी हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं ग्वाला हूँ, मैं सबकी रक्षा करता हूँ जो भी ब्रज में आता है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और जैसी वो उनकी वाणी को सुनते हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि हृदय के अंदर अमृत के सागर घुस रहे हैं, अमृत कानों के माध्यम से हृदय में घुस रहा है। जब उस बालक को देख रहे हैं तो देख के बिल्कुल विमोहित हो जाते हैं और अगले क्षण वो बालक जो है बिल्कुल अंतर्ध्यान हो जाता है, फिर मूर्छित हो जाते हैं कि हाय कृष्ण कितने छलियाँ हैं, अभी तो उन्होंने हमें अपनी बंसी ध्वनि प्रवेश करवाई कान में, नासिका में सुगंध, और अभी दर्शन देके फिर कृष्ण क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से वो ब्रज में रह के भजन करते थे। और अब कीर्तन, क्या कीर्तन गा रहे हैं, जाबो गो ब्रजेंद्रपुर हबो गोपी कार नूपुर, नूपुर है रुंझुन रुंझुन बाजी बोगो, हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जाबो गो ब्रजेंद्रपुर, जब मैं ब्रजेंद्रपुर जाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, हबो गोपी कार नुपुर, मैं वहां पे जब जाऊं मेरी सिद्धियों में गोपियों के चरणों का नुपुर बन जाऊं। क्यों, रुंझुन रुंझुन बाजी गो गो, क्योंकि गोपियों के चरणों का जब नुपुर बजता है तो कृष्ण को बड़ा आनंद हो जाता है। जैसी ही गोपी आती है और उसके नुपुर की ध्वनि कृष्ण के कण में जाती है, कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते हैं कि आज मुझे इस गोपी का मेरा संग मिलन होगा। तो कह रहे हैं कि मैं उस गोपियों के चरणों का नुपुर बन जाऊं और मैं ध्वनि करके क्या करूं, कृष्ण के कण में प्रवेश करूं। ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं करी है। जब वो यहाँ पे रह के भजन करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी मानसी सेवा में उनकी सेवा करते थे, मानसी सेवा कर रहे हैं, और मानसी सेवा करते हुए आज राधा जी के साथ बहुत सारे पकवान बनवा रहे हैं। जब बहुत सारे पकवान बना रहे हैं, उतने में ही गरम गरम दूध था, तो जो गरम दूध था उस गरम दूध का जो पात्र था, उन्होंने उसको हाथों से स्पर्श करके जैसे ही दिया और उसके बाद पूरी सेवा कर ली। जब वापस आए तो देखा, क्योंकि उन्होंने अपने नित्य से देह में क्या किया, गरम दूध के जो पात्र था उसको अपने हाथ से स्पर्श किया था। जब वापस सेवा में, वापस अपने निज देह में आके आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका जो हाथ है वो जल चुका है। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी सुंदर मानसी सेवाएं करी है, आज बड़ी ही सुंदर सेवा कर रहे हैं। कैसी उनकी प्रार्थनाएं हैं,
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर गाथिया मालती माला दीबो दुहार गले अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले। कह रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये जो युगल किशोर है राधा कृष्ण यही मेरे प्राण है। जीवन मरण गति आर नहीं मोर, मेरे जीवन और मरण के अलावा और कोई गति नहीं है, केवल राधा कृष्ण ही मेरी गति है। क्या सेवा है उनकी, गाथिया मालती माला दीबो दुहार गले, बड़ी सुंदर मालती की माला उन्होंने बना के दोनों के गले में दी। उसके बाद कृष्ण ने अपनी ही प्रसादी माला उनको दे दी, राधा जी अपनी प्रसादी माला उनको दे देती है। जब वापस अपने देह में आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके अक्षतल पे बड़ी ही सुंदर कृष्ण की प्रसादी माला है। ऐसी उन्होंने सेवाएं करी हैं। उनके जो कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर जी के, कुछ तो ऐसे कीर्तन है सिद्धि लालसा वाले, कुछ उनके ऐसे कीर्तन है जिसमें दैन्य प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसे कीर्तन है जिसके अंदर बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, कुछ ऐसे कीर्तन है जो महाप्रभु के तत्व के ऊपर है, नित्यानंद प्रभु के तत्व के ऊपर है। तो उनके एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें वो कहते हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से, चाई नवीन मेघ पाने तू या बंधु पड़े माने, एला ये केश नाही बांधी। कह रहे हैं चाई नवीन मेघ पाने, जब मैं अभी ये अपने निज सिद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं कि गोपी रूप में जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं देखती हूँ बड़े ही सुंदर मेघ है, उस मेघ को देखने से ही क्या होता है, तुआ बंधु पड़े मने, हे कृष्ण आप ही मेरे मन में आ जाते हो, क्योंकि वो मेघ उद्दीपन है, मेघ को देखते ही आपका स्मरण हो जाता है। एला ये केश नहीं बांधी, इसलिए मैं अपने केशों को बांध नहीं पाती, और इसलिए जो वहाँ पे उनकी सास हैं, ससुर हैं, जो ब्रज में और हैं, वो देखते हैं कि भाई ये गोपी क्या है, बाल खुले ही रख के घूम रही है। बोले कि वो समझ नहीं पाते कि मेरे बाल खुले क्यों हैं, क्योंकि उस मेघ को देख के मुझे आपका स्मरण हो रहा है। रंदन शाला ते जाई तू या बंधु गुण गाई, धुयार छल लाए करी कांदी। अब अपने किसी प्रकार से अपने उन भावों को फिर मैं रोकती हूँ और फिर क्या करती हूँ, रंदन शाला ते जाई, जब मुझे सांस का वो आदेश मिलता है रंदन शाला पे जाओ और भोजन बनाओ, तो मैं रंदन शाला में जाके क्या करती हूँ, रंदन शाला ते जाई तुआ बंधु गुण गाई, वहाँ पे भी कृष्ण मैं आपका ही गुण गान गाती हूँ, और साथ में क्या करती हूँ, धुआं छलना है करे कांदी, धुआं के छलना से मैं वहाँ पे कांदी यानी कि रोती हूँ। अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि धुआं मेरे आँख में जा रहा है, लेकिन हे कृष्ण आपके ही गुणों गा के मैं रोती हूँ। इस प्रकार से बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएँ करी हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी फिर यहाँ से जीव गोस्वामी जी उनको भेजते हैं प्रचार करने के लिए बंगाल और खेतरी गांव के पास, जब वो यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए खेतरी गांव जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो कैसा नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रचार था, इनके रूप को ही देख के लोग भक्त बन जाते थे। एक दिन दो लोग बकरे को लेके जा रहे हैं बलि देने के लिए, बकरे को बलि देने के लिए जा रहे हैं, कौन, हरी राम और रामकृष्ण, ये दोनों भाई जा रहे हैं बकरे की बलि देने के लिए। तो रास्ते में देखा नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भक्तों के संग बैठे हैं और कथा कर रहे हैं, उनके रूप को ही देख के उनके पास आके आकृष्ट होके हो गए आ गए, और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोला कहाँ जा रहे हो, बोले कि हम बलि देने जा रहे हैं, नहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठो और कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण का भजन करो, और वहीं पे उनके केवल दर्शन से ही लोग भक्त बन जाते थे, और जो उनके शिष्य थे वो सबके सब बड़े बड़े पंडित। अब उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो जन्म है ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, लेकिन सबको दीक्षा दे रहे हैं, तो इस चीज़ को देख के कुछ स्मार्ट ब्राह्मण इनके विरोध में आ गए, और कई लोग बोलने लगे कि भाई ये तो शूद्र है, और ये क्या करते हैं, शूद्र होकर सबको दीक्षाएं देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उनके बारे में ऐसा बोला उसको शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, सब समझ गए नहीं भाई ये तो कोई महाप्रभु के बहुत प्रिय परिकर हैं, इसलिए कीबा जाति कीबा न्याति शूद्र के ना नाए, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। महाप्रभु ने बोला कहीं शूद्र हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेबा कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, जो कृष्ण को जानते हैं वही गुरु है। तो इनके प्रचार से ईशान्वित होके वहाँ का एक राजा था, वो जो राजा था उसने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया, एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया रूप नारायण को, और बोले कि देखो तुमने इनके साथ शास्त्रार्थ करना है कि केवल ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकता है, आप ब्राह्मण नहीं है इसलिए आप दीक्षा नहीं दे सकते, तो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होगा। तो सारे पंडित, भारत के जितने बड़े बड़े पंडित थे, राजा ने सारे बड़े बड़े पंडितों को बुला लिया, और कहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कुमारपुरा गांव, उस गांव में बहुत बड़ी सभा बैठेगी सुबह, और जिसके अंदर एक तरफ होंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी और दूसरी तरफ सारे बड़े बड़े पंडित समाज के लोग, जो बोलेंगे कि नहीं केवल ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकता है, आप दीक्षा नहीं दे सकते, शास्त्रार्थ होगा।
तो वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी के दो शिष्य थे, एक का नाम था रामचंद्र कविराज, एक का नाम था गंगा नारायण। तो रामचंद्र कविराज जी तो कौन बन जाते हैं, मटके बेचने वाला होता है ना, कुमार बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं गंगा नारायण जी पान बेचने वाले। अब वो क्या करते हैं, शाम को सारे पंडित बाहर निकलेंगे मार्केट में, क्योंकि बाहर घूमेंगे, गाँव की शोभा देखेंगे। तो वहाँ पे ना उनके सारे शिष्य, कोई पान बेचने वाला है, कोई मटके बेचने वाला है, कोई मोची है, सारे उन्हीं के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी के, सब संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो वहाँ के पंडित हैरान हो गए कि भाई ये तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य हैं, कोई पान बेचने वाला, कोई कोई नाई, कोई मटका बेचने वाला, ये सब भी आपस में संस्कृत में बात करते हैं। और जब वहाँ का जो बड़ा वाला पंडित था रूप नारायण, जिसने उनके साथ शास्त्रार्थ करना था, जब उन्हें इनको देखा, रामचंद्र कविराज जी को और गंगा नारायण जी को, जो पान बेचने वाले और मटके वाले आपस में बात कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं, कोई भी किसी भी कुल में जन्म ले, किसी को दीक्षा दे सकता है, जब उन्होंने उनकी ये बात सुनी, उन्होंने तो कानों को हाथ लगाया, रातों रात सारे के सारे पंडित गाँव छोड़ के भाग गए। बोले भाई जब इनके पान बेचने वाले शिष्य जब ऐसे हैं, जिनके सामने हम कोई पंडित हम नहीं टिक सकते, तो उनका गुरु कैसा होगा। तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी का, उनका इस प्रकार से ऐसा प्रताप था। नरोत्तम दास ठाकुर जी को कई लोगों ने जब बोला, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी ही, उनके जीवन में अलौकिक घटनाएं भी हुई हैं। एक जो हमारे गौड़िया समाज का जो अब तक का सबसे बड़ा उत्सव हुआ है, जिसको बोलते हैं खेतुरी गांव में जब जानवा माता थी नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव किया। उस उत्सव में 6 विग्रहों की स्थापना हुई थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वहाँ पे कीर्तनिया थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन गाते थे, आकाश में जितने भी सारे देवता हैं उनके कीर्तन को सुनने के लिए आ जाते थे। अब खेतरी गांव में जब नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं, गौरांगेर दूटी पदा जार धन संपदा से जाने भगति रस सार, उनके कीर्तन को सुन के वहाँ पे जब उन्होंने गौरांग महाप्रभु कीर्तन गाया, गौरांग के जो दो चरण कमल है जिनको वो अपनी संपत्ति मानते हैं, वो ही कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। गौर प्रेम रसाण बे जेता रंगे जे बांडुबे से राधा माधव अंतरंग, जो गौर महाप्रभु के प्रेम में डूबेगा वही राधा माधव के प्रेम में पहुंचेगा। इसलिए बताया भाई दो बॉटल है, एक महाप्रभु का प्रेम, एक ब्रज का प्रेम। ब्रज के प्रेम की जो बॉटल है वो बंद है, महाप्रभु के प्रेम का ढक्कन खुला हुआ है। जो उसमें डूबेगा वही कहाँ पे निकलेगा, राधा माधव के अंतरंग परिकर के रूप में निकलेगा। जब वो कीर्तन गा रहे थे वहीं पे उनके कीर्तन को सुन के स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, उनके कीर्तन को सुन के नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, महाप्रभु की सारी जो परिकर जो जगत से अप्रकट हो चुके थे सबके सब नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन को सुन के प्रकट हो गए। और फिर जब उन्होंने कीर्तन गाए, राधा और कृष्ण के कीर्तन गाए, तो वहाँ पे सारे राधा कृष्ण ललिता विशाखा सारी की सारी सखियाँ प्रकट हो जाती है, सारे ब्रजवासी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गौड़िया समाज का वो सबसे बड़ा उत्सव था जो गौर पूर्णिमा में उन्होंने बनाया। तो ये इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रचार था, इस प्रकार से उनके कीर्तन थे। उन्होंने फिर जब वो यहाँ पे ब्रज में आए और उनको जब पता चलता है कि श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए, तो जब उनको पता चला श्रीनिवास आचार्य प्रकट हो गए, तब उन्होंने उनके विनय में बड़ा ही सुंदर कीर्तन गाया जो हमारे गौड़िया वैष्णवों का कंठहार है। इस कीर्तन को जब भी कोई भी वैष्णव अप्रकट होते हैं इस कीर्तन को गाते हैं, बड़ा ही विरह वाला कीर्तन है। कैसा उनके हृदय का विरह है, उनके कीर्तन के माध्यम से अगर हम उसमें प्रवेश करें तो हम समझ सकते हैं उनके मन की स्थिति कैसी थी, और उसका एक कण भी हमारे अगर हृदय में प्रवेश कर गया तो हमारा जीवन सफल है। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो उस प्रेम धन को लेके आए थे करुणा के प्रचुर मात्रा में, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, आज मेरे वो आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ रघुनाथ, कहाँ है मेरे स्वरूप रघुनाथ, कहाँ है मेरे रूप गोस्वामी, कहाँ है मेरे सनातन गोस्वामी। इस प्रकार से वो वीरे में कीर्तन गाते थे। पाषाणे कुटी बो माथा आनाले पाशीबो गौरांगे रघुण निधि कोथा गेले पाबो, मेरे को गौरांगेर गुण निधि कोथा गेले पाबो, आज मैं कहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मुझे महाप्रभु की गुण निधि की प्राप्ति होगी। उनके गुण निधि ये जो सारे भक्त थे वो तो इस जगत में नहीं रहे। फिर क्या कहते हैं, पाषाणे कुटी बो माथा, मैं अपने माथे को जाके पत्थर में फोड़ दूंगा, अपने सर को फोड़ दूंगा।
कहते हैं अनले पशिबो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। गौरांगिर गुण निधि कुथा गेले पाबो, अगर मुझे महाप्रभु के भक्तों का संग नहीं मिला तो इस शरीर को रखने का क्या लाभ। इस प्रकार से वो क्रंदन करते थे। हा हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छया, तोया पदे लईनु शरण, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। इन्हीं का कीर्तन है। कह रहे हैं हा हा प्रभु कर दया, जैसे कोई व्यक्ति मानो हा हा कब करता है, जब उसको हृदय के अंदर बहुत वीरे हो रहा हो। हा हा प्रभु कर दया, अपने दया करके अपने चरणों की पद छाया दो, ऐसे उनके कीर्तन थे। और जो उनके बहुत ही ऐसे कीर्तन जिसके अंदर उन्होंने रूप गोस्वामी जी के प्रति निष्ठा दिखाई है, क्योंकि हम जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं, हम लोग क्या है, रूपानुग, हम सब लोग रूपानुग हैं। रूपानुग यानी कि रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उनके वो बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जो हमारा प्रयोजन कीर्तन है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा, से ही मोरा भजन पूजन। कह रहे मेरा भजन पूजन क्या है, से व्रत से ही तप, मेरा व्रत क्या है, मेरा तप क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरा आवरण क्या है, मेरा भजन क्या है, सब कुछ श्रील रूप गोस्वामी जी के चरण कमल, रूप मंजरी जी के चरण कमल, वही हमारा भजन का मूल है, क्योंकि हम लोग रूपानुग हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी की अनेकों अनेकों कीर्तन है, बहुत सारी उनकी लीलाएँ हैं। एक लीला, यद्यपि तो उनकी बहुत लीलाएँ हैं, एक लीला और स्मरण पत्र पर स्मरण आ रही है, उसको बोल के उनके चरणों में फिर हम पुष्पांजलि देंगे। एक बार ये किसी गांव में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक जगह पे सर्प बैठा होता है और सर्प किसी को अंदर नहीं आने देता। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी जाते हैं, सर्प उनको प्रणाम करके चले जाता है और वहीं पे गौर महाप्रभु और विष्णु प्रिया के दो विग्रह होते हैं जो चढ़ के फिर इनके कंधे पे आ जाते हैं, और उन्हीं गौर महाप्रभु की सेवा जो है फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने करी है। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी की, लोकनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, उनके सेवित विग्रह है, और यहाँ पे शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की समाधि है, उनके सेवित विग्रह है राधा गोकुलानंद जी, जो उनको राधा कुंड पे प्राप्त हुए थे। जो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं वो हैं रसिक महाआचार्य, हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े रसिक आचार्य हैं, और कहते हैं जो रूप गोस्वामी जी हैं वो ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के रूप में आए हैं, जिन्होंने फिर रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को ही इस जगत में और विस्तार किया है। बड़ी ही सुंदर भागवत की इन्होंने टीका लिखी है, भूतो न भविष्यति, जैसी टीका आज तक कहीं नहीं है, सार अर्थ दर्शनी टीका। शीला इनके बड़े ही सुंदर ग्रंथ हैं, लगभग 100 से ज़्यादा इनके ग्रंथ हैं, कितने सारे इनके अष्टकम हैं। जो इन्होंने भागवत की टीका लिखी है, आज भारत में जितने भी भागवत कथावाचक हैं सब के सब इनकी टीका को ही चोरी करके कथा करते हैं, क्योंकि इनके जैसी टीका आज तक किसी ने नहीं लिखी, जिन्होंने भागवत के बड़े ही सुंदर सुंदर सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया, उसमें प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे इस दिव्य स्थान में इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इनसे हेतु की कृपा की वांछा करते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।